हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब चैनल डॉक्टर साइंटिस्ट। तो गाइस, आज हम ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है। तो गाइस, आज हम हिडन स्पाई ईयरपीस मास्क बनाने जा रहे हैं। इसको कैसे बनाना है, मटेरियल कहां से लेना है, कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, कमेंट में पूछा जाता है कि कैसे बनाते हैं। तो गाइस, आज हम आपको सभी ये चीज़ें बताएँगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, स्किप किया तो वीडियो समझ में नहीं आएगी जे कैसे बनेगा मास्क। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले आपने ब्लूटूथ स्पीकर लेना है, कोई लोकल कंपनी का, आपके आसपास मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा, 200-250 के करीब आपको मिल जाएगा। गाइस, इसमें बैटरी, ब्लूटूथ एम्पलीफायर वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। तो गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, आपने वही ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है जिसके एम्पलीफायर में माइक्रोफोन लगाओ। आपने पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेनी है। अब हम इसको आपको खोल के बताते हैं। ये इस तरह का डिवाइस है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसके अंदर सब कुछ है। अब हम इसको ओपन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस, ये डिवाइस आपके बड़े काम आने वाला है, आप लोग जानते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो ताकि आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलती रहे। ये हमारी बैटरी है और ये इसका एम्पलीफायर। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये इसकी बैटरी और ये इसका एम्पलीफायर। तो गाइस, ये है ऑन ऑफ करने वाला स्विच और ये जो है ये है माइक, ये ब्लूटूथ है और ये वॉल्यूम कम करने वाला सिस्टम और ये चार्जिंग वाला सिस्टम ये है। गाइस, अगर आपके एम्पलीफायर में थिक बैटरी निकलती है, यानी कि मोटी बैटरी निकलती है, आपके मास्क में फिट नहीं आ सकती, आप फोन बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि थिन होती है, पतली होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में इजीली मिल जाएगी 100-150 के करीब। और पुरानी वाली बैटरी को हम डिस्कनेक्टेड करते हैं, इसकी जगह पर हम दूसरी बैटरी लगाएंगे। गाइस, बैटरी लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है जो कि बड़ा ज़रूरी है, बैटरी के ऊपर साइन दिया होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। ब्लैक वायर नेगेटिव होती है और रेड वायर पॉजिटिव होती है। आपने ब्लैक वाली वायर को नेगेटिव के साथ अटैच करना है और रेड वाली वायर को पॉजिटिव के साथ अटैच करना है। अगर कनेक्शन गलत हुए तो आपका शॉर्ट सर्किट, डिवाइस का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ध्यान से कनेक्शन करने हैं, ब्लैक वाली वायर नेगेटिव के साथ माइनस के साथ और रेड वाली वायर प्लस के साथ, प्लस मींस पॉजिटिव के साथ। तो गाइस, देखिए हमने इस तरह से कनेक्शन किए, बिल्कुल ही सावधानी के साथ, ब्लैक वायर नेगेटिव के साथ और रेड वायर पॉजिटिव के साथ। आपने भी इसी तरह हमें फॉलो करना है, इसी तरह कनेक्शन देने हैं। तो गाइस, इसके बाद हमने स्पीकर को अलग कर देना है, ये हमारे काम का नहीं है। ऊपर वाली साइड से अलग करें, डिस्कनेक्टेड करें। गाइस, अब कॉपर वायर की बात करते हैं। कमेंट में पूछा जाता है कि कॉपर वायर कौन सी लेनी है और कहां से मिलेगी और इसका सेटअप कैसे करना है। गाइस, आपने अपने नज़दीकी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जाना है और वहां से आपको मोटर बाइंडिंग कॉपर वायर मिल जाएगी। सिर्फ 10 या 20 रुपए में आपको कॉपर वायर आसानी से मिल जाएगी। छोटे वाटर पंप में बाइंडिंग होती है, जे कॉपर वायर आसानी से आपको मिल जाएगी। गाइस, अब ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले हम 3-4 इंच कॉपर वायर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम इसको राउंड शेप करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, कम से कम हमने 20-25 राउंड करनी है, ये घेरे बनाने कॉपर वायर के। तो गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, आपने अपने कान के साइज के हिसाब से ही घेरे बनाने हैं जो कि मास्क में अच्छी तरह से फिट आ सके
और गाइस एक बात और इसमें कोई भी कट नहीं लगना चाहिए, कॉपर वायर में कोई भी कट नहीं लगना चाहिए। अगर कोई कट लगा तो आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। कट हमने करनी है, लास्ट में करनी है कट। आप हमें फॉलो करें। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस इस तरह से हम इसको कट कर देंगे वायर को, और कॉपर वायर के घेरे के साथ हम इसको लपेट देंगे। आप हमें फॉलो करें, इस तरह से करें। तो गाइस एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कॉपर वायर को कैसे सेटअप करना है। हमें ध्यान से देखें, हमें फॉलो करें। कई यूट्यूबर दोस्तों ने तो सेंटर से ही काट दिए कॉपर वायर, डिवाइस वर्किंग कैसे करेगा। बस हमें फॉलो करें, मैं किस तरह से कॉपर वायर को राउंड शेप दे रहा हूँ, घेरे बना रहा हूँ। इसके कम से कम 20-25 घेरे बनाने हैं, और लास्ट में लपेट कर कॉपर वायर को इस तरह से, ये मैंने आपको फिर से बना के दिखाया, इस तरह से लपेटना है इसको। और उसके बाद इसके ऊपर इंसुलेशन होती है, हमें वो दिखती तो नहीं है, इंसुलेशन होती है, उसको नाइफ के साथ, छुरी के साथ उसको रगड़ लें अच्छी तरह से। उसकी इंसुलेशन जो लेयर होती है वो हटा लें, ताकि हम जो कनेक्शन है अच्छे से दे सकें। तो गाइस अब बात करते हैं हम कॉपर वायर की, इसको कैसे कनेक्शन देने हैं। जहां से हमने स्पीकर को अलग किया था, एक एक वायर हमने कॉपर वायर के साथ लगानी है, कनेक्ट करनी है। कॉपर वायर की भी 2 वायर हैं, और स्पीकर वाली भी 2 वायर हैं। एक एक हमने लगा देनी है, कनेक्ट कर देनी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, हमने कॉपर वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही कॉपर वायर के कनेक्शन देने हैं, बस हमें फॉलो करना है। गाइस अब बात करते हैं मैग्नेट की, हमने मैग्नेट कहाँ से लेनी है। हमारे पास 2 तरीके हैं मैग्नेट लेने के। पहला तो ब्लूटूथ ईयरबड्स, इसमें से मैग्नेट निकलेगी। दूसरा है हमारे पास डाटा केबल वाले ईयरपीस, ईयरबड्स, ईयरफोन, जहाँ तो उसमें से निकलेगी। गाइस हमारे पास तो अभी ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, हम इस मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस एक बात और बता दूं, ब्लूटूथ ईयरबड्स वाली मैग्नेट स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू डाटा केबल ईयर फोन वाली मैग्नेट। तो गाइस इसके बाद आपने मास्क लेना है, फेस मास्क। हमारे पास ये 20 रुपए वाला मास्क है। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से मास्क ले लें, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद हमने नोटबुक का कवर लेके उसके ऊपर मास्क का शेप देनी है, शेप उठा लेनी है हमने ड्रा करके इस तरह से, जैसे हम कर रहे हैं पेन के साथ। गाइस इसको कट करके बिल्कुल फेस मास्क की शेप दे दें, ताकि ये इसके अंदर आसानी से फिट हो जाए। तो गाइस अब हम मास्क के सेंटर की सिलाई निकाल देंगे, ताकि हमारा जो सेटअप है वो पूरा अच्छे से फिक्स आ सके। और साइड वाली सिलाई भी निकाल देंगे, जहां से हमने कॉपर वायर फिक्स करनी है, अच्छे तरीके के साथ निकालें। तो गाइस जो हमने नोटबुक का शेप बनाया था, मास्क शेप, वो इस मास्क के अंदर हमने डाल दिया। उसके बाद हम बैटरी, एम्पलीफायर वगैरह अच्छे तरीके के साथ सेटअप हम फिक्स कर रहे हैं। गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गाइस अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। तो गाइस ये जो हमारा सेटअप हो रहा है अभी अच्छे से, तो ऑल राइट गाइस, ये हमारा जो मास्क ये बन चुका है। तो गाइस मैंने सिर्फ इसको टेपिंग की है,
आप देख सकते हो आपने टेपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने सुई धागे के साथ इसको अपने ही साइज के साथ इसको सी लेना है, सिलाई कर लेनी है। और ये मैंने ये घेरा जो है कॉपर वायर का, ये थोड़ा अपने साइज का छोटा बनाया, आपने बिल्कुल अपने साइज का बनाना है। और ये जहाँ से जो भी है ऑन होता है और यहाँ से चार्जिंग प्लग लगता है, इसको इस तरह से सीना है कि जहाँ से ये जो है चार्जिंग प्लग लग जाए, आसानी के साथ लग जाए। तो गाइस जहाँ से भी आपने सुई धागे के साथ सीना, टेपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो गाइस अब मैं इसको ऑन करके बताता हूँ। ये कर दिया मैंने ऑन, ये देखो ब्लू सी लाइट ब्लिंक कर रही है। अब मैं इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा। तो गाइस अब मैं इसको कनेक्ट करके बताऊँगा ब्लूटूथ के साथ। इस ब्लूटूथ का नेम है जहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो डूम 3001, ये कनेक्टेड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसको पहन के बताऊँगा इस मास्क को। देखो गाइस ये अपन का फ़ोन है टूटा हुआ। तो ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से पहनना है। पहले हम जे वाली साइड डालेंगे, फिर अपन जे वाली साइड। तो गाइस मास्क डालने के बाद जे रही हमारी मैग्नेट, इसको भी हम कान में डालेंगे, कोई खतरा नहीं है और ये बाहर भी आसानी के साथ निकल जाती है। हम आपको निकाल के भी बताएंगे। तो गाइस हमने जे वाला फ़ोन कनेक्ट किया है अपने ब्लूटूथ एम्पलीफायर के साथ, जे वाला फ़ोन। तो गाइस अब हमने इसको ऑटो कॉल पे रखा है, अब हम इसको फ़ोन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा। तो गाइस ये देखो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगी, फ़ोन पिकअप हो जाएगा ऑटोमेटिक। हेलो, तो गाइस ये देखो आवाज आ रही है इसमें, मैं जहाँ से बोल रहा हूँ तो आवाज दूसरे बंदे के पास आ रही है। तो गाइस एक बात का अपना ध्यान रखना है कि जिस इसकी जो रेंज होगी इस ब्लूटूथ की, मानो कि 20 मीटर 15 मीटर, उसकी रेंज में ही आपका फ़ोन होना चाहिए, वरना उसकी रेंज से बाहर गया तो ये ऑटोमेटिक डिसकनेक्टेड हो जाएगा। ध्यान रखना है उसकी रेंज में फ़ोन होना चाहिए जितनी भी आपकी इस ब्लूटूथ एम्पलीफायर की रेंज होगी। जो 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 हमारे पास छोटी सी मैग्नेट थी उसको बाहर कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल वे है। आपने कोई भी मेटल का या स्क्रू ड्राइवर या कोई भी मेटल की वायर लेनी है, सिर्फ कान के पास रखनी है, तो ये जो अपने आप ही खींची चली आएगी। जो स्ट्रांग मैग्नेट होती है ये अपने आप ही खींची चली आएगी, डरने की कोई बात नहीं है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैंने आपके डिमांड आई थी आपके लिए ये मैंने मास्क बनाया था। ब्लूटूथ डिवाइस कैसे बनाना है, ईयरपीस जो कि मटेरियल बाकी कहाँ से लेना है, ये मैंने सब आपको बताया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस ये जो हमारे पास ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, इसका हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया है, इसका हमने कार ब्लूटूथ डिवाइस बनाया है इन ईयरबड्स से। तो गाइस वो भी मेरी वीडियो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप वीडियो को लाइक करोगे तो और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाओगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।